राजस्थान के अंता में बम्बोरी बालाजी मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन मुस्तफा खान व अध्यक्षता एसडीएम दीपक महावर व विशिष्ट अतिथि तहसीलदार सुरेंद्र सिंह गुर्जर रहे। कवि सम्मेलन की शुरुआत वाराणसी से आई कवयित्री विभा शुक्ला ने सरस्वती वंदना से की। कवि राम भदावल ने बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान, इतिहास कायरों से लिखा नहीं जाता व जिस वह घर कभी सुखी नहीं। कविता पर श्रोताओं की खूब तालियां बजाकर वाहवाही लूटी। कवि दिनेश देसी घी ने अपनी कविता माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती सुनाने पर श्रोता भाव विभोर हो गए। वीर रस के कवि फैजान, कवि पार्थ नवीन ने, देवेंद्र वैष्णव ने भी काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन में श्रोता भोर तक कवियों की कविता सुनते रहे, अपनी जगह से हिले नहीं। मंच का संचालन कवि ओम मेरोठा ने किया। कार्यक्रम के पूर्व मेला समिति द्वारा सभी अतिथियों का साफाबंदी व फूलमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सत्कार किया। बनारस के श्रृंगार के रस में लेके चलूंगी और उस श्रृंगार के रस में मैं अपना एक रस आप तक छोड़ के जाऊंगी और आपका प्रेम स्नेह लेकर जाऊंगी। जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे काम कर देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। बलरामपुर थाना प्रभारी निरीक्षक हरैया दुर्विजय ने बताया कि सुहेलवा व निजीव प्रभाग बरहवा रेंज में चोरी से काटकर बाइक पर लादकर बेशकीमती जंगली सागौन दो बोटा लकड़ी ले जा रहे थे कि मुखबिर की सूचना पर जोखू पासवान 32 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय शंभू निवासी साईपुरवा तेंदुआ नगर को बुधवार भोर पुलिस टीम उप निरीक्षक सुनील कुमार पाल, कांस्टेबल सुनील कुमार उमेश कुमार ने गुगौली कला गांव के पास से पकड़कर बाइक पर लदी दो बोटा जंगली सागौन सहित थाने पर लाकर विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा। बरेली में आज सरनिया सीबीगंज से हजरत सैयद जावेद आलम जाफरी मरगुवी मदारी साहब की कायादत में पोस्टर जारी किया गया। पहले उर्स के मौके पर हिंदुस्तान की सभी खानकाह के सज्जादा नसीन तशरीफ ला रहे हैं। ये उर्स ए फातेह अजमेर मदारी प्रतापुर चौधरी इज्जत नगर बरेली में मनाया जाएगा। ये हजरत सैयद मरगूब आलम जाफरी मदारी का पहला उर्स 29, 30 और 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये 29, 30, 1 अक्टूबर को 3 रोज़ हुजूर उर्स ए फातेह अजमेर मदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु प्रतापुर शरीफ में होने जा रहा है। इसमें कौन कौन उलेमाए शिरकत? इसमें पूरे हिंदुस्तान की खानकाहों के सज्जादगान तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके साथ साथ सिलसिला आलिया मदारिया के जिम्मेदारान मलंगान पाकबाज तशरीफ़ ला रहे हैं ग्वालियर से, मध्य प्रदेश तमाम जगहों से जहाँ जहाँ मलंगान कराम रहते हैं, बाबा मासूम अली शाह रफ़ीक बाबा, अब्दुलरज़ाक बाबा, ज़ियारत बाबा, महमूद अली बाबा मलंग, ये हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं। और खानकाह मदारुल आलमीन से तमाम शायर, तमाम मुकर्रर, तमाम सादात मकनपुर शरीफ तशरीफ़ ला रहे हैं। सूची मैं यहीं पर सरनिया बस्ती के अंदर इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता हूं और मैं रहने वाला हूं पीलीभीत का। क्या बोल रहा हूं? अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद परसों से 29, 30 और 1 अक्टूबर 3 दिनों के लिए उर्स हुजूर फातेह अजमेर का आगाज़ होने जा रहा है और इंशाल्लाह उस ये उर्स बहुत ही शान शौकत के साथ मनाया जाएगा। ये हुजूर फातेह अजमेर का पहला उर्स है, इसलिए हमने ये कैलेंडर जारी किया है ताकि जहां जहां तक लोगों को आवाज़ पहुंचे, लोगों तक इत्तला मिले, सारे लोग उर्स हुजूर फातेह अजमेर में शिरकत करें और हुजूर फातेह अजमेर के फ़ैयज़ व बरकात से माला माल हूँ।
खबर तहसील सिरसागंज फिरोजाबाद जनपद से है, जहां ब्लॉक मदनपुर अंतर्गत रूरिया स्वरूपपुर ग्राम पंचायत पापरी में राशन डीलर का चुनाव संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि पूर्व राशन डीलर सुरेश कुमार की सड़क हादसे में मौत हो जाने के पश्चात राशन डीलर का चुनाव कराया गया। चुनाव अंजलि पुत्री कुशल कुमार व पूजा देवी पत्नी स्वर्गीय अनुज प्रताप सिंह के बीच कराया गया, जिसमें कुल मतों की संख्या 730 रहे। अंजलि पुत्रियां कुशल कुमार ने 313 मत प्राप्त किए, तो वहीं पूजा देवी पत्नी स्वर्गीय अनुज प्रताप सिंह ने 420 मत प्राप्त किए। सफल निर्णय के बाद पूजा देवी 107 मतों से विजय घोषित की गई। चुनाव को पूरी निष्पक्षता के साथ कराया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान, बीडीओ, ऑडियो पंचायत के साथ थाना नगला, खंगार थाना अध्यक्ष शेर सिंह, मई पुलिस बल के मौजूद रहे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 होगी। धन जी, कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम पंचायत। अच्छा, इसमें राशन का चुनाव हुआ है, किस तरीके का पूरा मामला? क्या जी? राशन डीलर का चुनाव हुआ है, किस तरीके आएगी? कितने प्रस्तावक थे और क्या क्या माने? 750 प्रस्तावक थे। कितनी स्थितियों में चुनाव कराया गया, किस स्थितियों में ये चुनाव का आयोजन किया है? पिछले में हमारे डीलर थे, मतलब एक्सपायर हो गए, तीसरी मीटिंग में हम प्रस्ताव आराम से हुआ। लगभग कितने यहाँ जो वोटर थे? 740 के लगभग। निर्णायक में क्या 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 निकल कर आया है? 60 वोट से अभी जी सर, चुनाव का आयोजन हुआ है, किस तरीके का चुनाव था और किस ग्राम सभा में था? ग्राम पंचायत एक राशन की दुकान का प्रस्ताव हुआ है, जिसमें दो आवेदकों ने आवेदन किया था, पूजा देवी और दूसरी अंजलि। पूजा देवी को 420 मत प्राप्त हुए और अंजलि को 313। इस प्रकार 107 मतों से पूजा देवी विजय घोषित हुई। उनको नवीन राशन दुकान के लिए प्रयागराज करछना ब्लॉक के पचदेवरा रेलवे क्रॉसिंग के पास दीवार बनाने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया है। गड्ढा खोदे हुए आज 13 दिन हो गए, मगर दीवार नहीं खड़ी हो पाई। आते जाते लोग, स्कूली बच्चे घूमंतु हुए गड्ढा के पास से निकलने पर मजबूर हैं और जानवर उस गड्ढे में गिरते रहते हैं। कई बार संबंधित लोगों से शिकायत की गई, किंतु उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई। गाँव के लोगों में भी रास्ता अवरुद्ध किए जाने को लेकर आक्रोश व्याप्त है। अगर जल्द ही निर्माण ना किया गया तो किसी दिन बड़ी अनहोनी होने की आशंका है। मिट्टी का ढेर इकट्ठा होने से अगल बगल के व्यापारियों के व्यवसाय पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा में आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने सिरमौर से बनाए गए सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ के लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, बढ़े हुए बिजली के बिल से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एमपी में चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सभी दलों ने तैयारी कर ली है, समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी कर ली है और सबसे आगे हम हैं। कांग्रेस की जब सरकार बननी थी, तब सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन समाजवादी पार्टी से मांगा था। सच बोलोगे तुम जेल चले जाओगे। मध्य प्रदेश में यूपी के तर्ज पर, अब मुझे मध्य प्रदेश का नहीं पता, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर कोई पत्रकार साथी दाल में ज़्यादा पानी की खबर चला दे, मुकदमा लग करके जेल। कोई पत्रकार अगर सच्ची रिपोर्ट सड़क की दिखा दे, झूठा मुकदमा लगा के पुलिस पीछे। तो अब मुझे मध्य प्रदेश में नहीं पता है कि यहाँ क्या व्यवस्था है। देखिए, बुलडोजर की चाबी तब खो जाती है जब बीजेपी के लोग घटना करते हैं। जब कई बीजेपी के लोग काम करते हैं, अन्याय बीजेपी के लोग करते हैं, भूमाफिया बीजेपी के लोग बन गए हैं, तो उनकी बुलडोजर की चाबी खो जाती है। और ये बुलडोजर संस्कृति कोई अच्छी संस्कृति नहीं है। क्या आप कोर्ट को बाईपास कर देंगे, नियमों को बाईपास कर देंगे? तो देखिए ना क्या हाल है, और उसका परिणाम देखिए। जनता नाराज़, ऐसा नहीं है कि जनता नाराज़ नहीं है। आम आदमी पार्टी की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में हरिपुरा जलाशय में
अधिग्रहण की गई भूमि के बदले में दिए गए पट्टे पर निवासरत ग्राम सभा कोपा के दर्जनों बुक्सा जनजाति व अन्य सामान्य जाति के लोगों ने जिलाधिकारी से पट्टे की भूमि को भूमि दरी करने की मांग की है। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन के समय पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने बताया कि जब हरिपुरा जलाशय का निर्माण हुआ था तब किसानों से उनकी भूमि ले ली गई थी। बदले में वन विभाग की भूमि पर 1972 में सरकारी पट्टा दिया गया था। उक्त भूमि पर आज भी लोग कृषि कर रहे हैं, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। मांगे जो थी हमारी, जो हरिपुरा जलाशय में जो जमीनें गई हैं तो उसके बदले में हमको जहां जमीन दी गई थी वन क्षेत्र में, तो अभी तक ये जमीन जो है हमारी राजस्व में नहीं आई है कि जिससे हमें कोई भी काश्तकारों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है ना। और उसके बाद हमको खाली पट्टे पकड़ा दिए गए हैं, पट्टे की कोई वैल्यू नहीं है, है नहीं, पट्टे की कोई वैल्यू नहीं है। जो सरकार से जो भी योजना आती है वो हमको लाभ नहीं, काश्तकारों को नहीं मिल रहा है। और उसके बाद लगभग 50 साल हो गए होंगे, अभी तक जो है हम काफ़ी मंत्री लोगों को और विधायकों को अपनी मांग दरखास्त देती रही और हमारी अभी तक कोई भी सरकार सुनाई नहीं कर रही है। एमपी उमरिया में मुख्यालय स्थित रानी दुर्गावती चौक पर मंगलवार को हुई सियासी हिंसा में पुलिस एक्शन मोड पर दिख रही है। घटना के बाद से ही हिंसा में शामिल असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही ऐसे कई वाहनों को जब्त होने की खबर है जिसमें असामाजिक तत्व घटनास्थल रानी दुर्गावती भवन पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो वीडियो फुटेज आदि के माध्यम से हिंसा में शामिल कई आरोपियों की पहचान की गई है। इनमें से करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, जिन्हें आज बुधवार को सम्माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस मामले में पुलिस ने हिंसा में शामिल आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, धारा 307 सहित कई धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। देर शाम गिरफ्तार सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। बलरामपुर इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल नवी वाहिनी डी कंपनी खंगरा नाका के जवानों ने सोमवार शाम मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया। सुजीत कुमार कंपनी कमांडर सहायक कमांडेंट पुलिस कुमार चौधरी के नेतृत्व में जवानों और ग्रामीणों ने बनकटवा खुर्द टिकुलीगढ़ के बाजार कस्बे में अमृत कलश के लिए हर घर से माटी अक्षत संग्रह किया। इस दौरान जवानों ने ग्रामीणों के साथ भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने के देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने, भारत की एकता को सुदृढ़ करने एवं देश की रक्षा करने का प्रतिज्ञा ली। बस्ती थाना सोनहा पुलिस स्वाट टीम, एसओजी टीम व सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही में दीपक चौरसिया, जो अपने घर के अंदर कमरे में सो रहे थे, उनके सिर पर प्रहार कर हत्या करने वाले मुकदमा से संबंधित वांछित अभियुक्तों उमाशंकर चौरसिया उर्फ बबलू लालमती पत्नी उमाशंकर चौरसिया को सल्टोबा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त लालमती द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व आपसी रंजिश के कारण आपसी विवाद के दौरान मृतक व उसकी माता किरण देवी द्वारा मेरे ऊपर चारित्रिक आरोप लगाया था, जिससे मैं आहत थी और उसी दिन निश्चय कर लिया था कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और ये बात अपने पति को बताई, जिससे मेरे पति ने भी सहमति जताई। मौका पाकर रात्रि बरामदे से होकर मृतक के कमरे में घुस गए तथा घर में पहले से रखे पुरानी बुलेट की स्टील रॉड से मृतक के सिर पर प्रहार कर उसे जान से मार दिया। थाना सोनहा क्षेत्र में ग्राम कंथुई में दीपक चौरसिया नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका शव उसके घर में रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिला था। सूचना थाने को प्राप्त हुई और इस सूचना पर थाने की टीम द्वारा और फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड एवं सभी उच्च अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 223/23 अंतर्गत धारा 302 506 IPC पंजीकृत हुआ था, जिसमें 4 लोग नामजद हुए थे। इसमें मृतक जो था उसके चाचा उमा शंकर चौरसिया और उनकी पत्नी लालमती और
उनकी दुकान पर काम करने वाला दारा एवं उसका एक ड्राइवर हजरा। हरदोई के विकास खंड टड़ियावा में माननीय मंत्री नितिन अग्रवाल जी के द्वारा विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। खंड विकास अधिकारी टड़ियावा नरोत्तम कुमार, गोबामऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्याम प्रकाश, ब्लॉक प्रमुख रवि प्रकाश, SHO टड़ियावा अशोक कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। मंत्री जी ने लोगों की शिकायतें भी सुनी। हम समाज के साथ हमेशा खड़े हैं, जनता को विश्वास दिलाया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।